एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, आप घी भी डाल सकते हो, मक्खन भी डाल सकते हो। तेल गरम हो चुका है, राई डाल देंगे, राई चटक रही है, करी पत्ता डाल देंगे, कटा हुआ प्याज डाल देंगे, प्याज नरम होने लगे हैं तो हींग डाल देंगे, हींग डालकर मिला लेने के बाद में शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न डाल देंगे, आपको जो सब्जी खाना हो वो डाल सकते हो, हल्दी पाउडर डाल देंगे, जितना तीखा खाना हो उस हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर, एक बड़ा चम्मच मैं पोरी मसाला डाल रही हूँ जो कि इडली के साथ में और देसी घी के साथ में खाया जाता है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, सुनीता सुरेश पांडे के नाम से है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, सब्जियों को देखते हुए स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, मिला लेते हैं, इसे ढककर टमाटर गलने तक पका लेते हैं। ढक्कन खोलते हैं, ये देखिए टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है, तो टमाटरों को हम इस तरह से मैश कर लेते हैं। इसी समय हम एक चम्मच देसी घी डाल रहे हैं, आप इसमें बटर भी डाल सकते हो, हरा धनिया डाल देंगे, मिला लेते हैं अच्छी तरह से। इडली को मैंने काट लिया है तो सभी डाल देंगे, यदि आपका इडली खट्टी है तो नींबू का रस नहीं डालेंगे, लेकिन मेरी इडली ज़्यादा खट्टी नहीं है तो चटपटा स्वाद देने के लिए मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मसाले को इडली पर लगा लेते हैं, ढक्कन खोलते हैं, बहुत अच्छी तरह से भाप आ चुका है, ऊपर से हरे धनिया की खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे और इसे हम अब सर्व करते हैं, तो बहुत ही टेस्टी बना है, तो इसे मैंने नाम दिया है पोड़ी मसाला इडली। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, थैंक यू।